कोरोना की वापसी की आशंकाओं के बीच लोगों के जहन में कई पुरानी दर्दनाक कहानियां जीवित हो रही हैं। ये वो कहानियां हैं जो जहन में होते हुए भी ना तो कोई सुनना चाहता है ना कोई सुनाना चाहता है, खासकर कोरोना की दूसरी लहर से जुड़ी कई कहानियां। कोरोना की कहानी में दूसरी लहर के रूप में ये उस मोड़ की तस्वीरें हैं जिसने लाखों अच्छी खासी कहानियों का द एंड कर दिया। दरअसल पहली लहर से बचकर निकले लोगों को लग रहा था कि उन्हें कोरोना से निपटने का तरीका आ गया है। अस्पतालों में इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं और वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। लेकिन 2021 के अप्रैल में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ने आतंक मचाना शुरू किया, सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। रात को 6 घंटे के लिए एम्बुलेंस लेके दौड़ा हूं मैं अपने बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ। आईसीयू का चाप 42, मेरी माँ की ऑक्सीजन लेवल आ गया, इन्होंने आईसीयू नहीं दिया। कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के पीक से भी 4 गुना ज्यादा मामले सामने आने लगे। दूसरी लहर में 5 अप्रैल को नए केस का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया, जबकि 7 मई को पीक आया, तब उस दिन 4,14,000 से ज्यादा केस मिले थे। लेकिन मामला सिर्फ ज्यादा केस मिलने का नहीं था, दूसरी लहर में सारे हेल्थ सिस्टम की पोल खुल गई। शहर शहर से ऐसी तस्वीरें आई जहां ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे थे या लोगों को मिल ही नहीं रहे थे। अगर हम हकीकत की बात करें और जमीनी हकीकत की बात करें तो तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। सर, आम जनता मर रहा है दिन प्रतिदिन, सर डेली लगभग सर 5,000 डेली पेशेंट मर रहा है सर। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, लोग अस्पताल में भर्ती के लिए सिफारिशें लगा रहे थे या स्ट्रेचर पर लेटे लेटे भगवान को याद करते हुए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भाग रहे थे। दीनदयाल में भेजा, वहाँ मैंने समय न कर दिया और जीटी भी गया, 3-4 घंटे एम्बुलेंस बाहर एमरजेंसी गेट पर रखा, अंदर लेने से मना कर दिया डॉक्टरों ने। वहाँ से रिफर कर दिया कि हम लिख दे रहे हैं आप इस हॉस्पिटल में ले जाओ, बुढ़ारी में ले जाओ, वहाँ ले लेंगे, बुढ़ारी भी नहीं लिए। फिर इधर था क्या नाम है इंदुराम के श्मशान घाटों पर लंबी कतार लगी थी। आलम ये कि रिश्तेदार शवों को छोड़कर चले गए क्योंकि सबको डर था कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे 6 चिताएं जलते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। 6 तो सिर्फ एक हिस्से में जल रही हैं, 6 का धुआं जो है कहीं लपटे हैं, ये धुआं है ये मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जिन लोगों ने अपने चाहने वालों को आखिरी विदाई यहाँ पर दी है। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं था, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई थी, ऐसे हालात में सावधानी ही बचाव था। लेकिन संक्रमण के मामलों में कमी आना शुरू होते ही मास्क लगाने, नियमित रूप से हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी हुई, सार्वजनिक सभाएं शुरू हो गई। सच यही था कि थोड़ी सी सावधानी हटते ही दुर्घटना घट गई। कोविड की दूसरी लहर में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। इस दौरान जिन लोगों को गंभीर कोविड हुआ उसके बाद हुई परेशानियों से कई लोग आज तक उभर नहीं पाए। दरअसल कोविड के दूसरे दौर की त्रासद कहानियां सिर्फ इसलिए सुननी चाहिए ताकि हमें एहसास हो सके कि एक वायरस को कमतर समझने का मतलब क्या हो सकता है। मेरे बेटे को मारा, इन्होंने इंजेक्शन नहीं दिया, रैपिड टेस्ट में इंजेक्शन दिया, 25,000 था यार भैया में, कोरोना नहीं हुआ, बिना कोरोना का था, पेशेंट ले लिया मेरा, लड़के को मार दिया, 25 साल का लड़का था मेरा बेटा, कल ही एडमिट करा, मार दिया इन लोगों ने मेरे भाई को, मार दिया, नहीं था तब भी मार दिया इन लोगों ने। बहरहाल दूसरी लहर सिर्फ अतीत में है, नया संकट कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 है और हम चाहते हैं कि दूसरी लहर की खौफनाक कहानियां हमारी जिंदगी में कभी न लौटे, तो सावधान हो जाइए। आज तक ब्यूरो।